नेटवर्क। फिर सर आज रिपेयरिंग बोर्ड के लिए कुरान खानी किया गया, क्या मकसद था कुरान खानी करने के पीछे? कुरान खानी का करने का मकसद ये था कि हम लोग कई सालों से, पिछले दो ढाई सालों से कंटिन्यू भाड़ा रिपेयरिंग बोर्ड के जो मसला चल रहा है 6 से 8 लाख रुपए की, उन लोगों को जो है मेंटेनेंस के नाम पे जो वसूली सरकार ने भेज दी है, उसके खिलाफ हम लोग हमारे निवेदन दे रहे हैं सरकारी अधिकारियों को, लोक प्रतिनिधियों को, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स हमें आता नजर नहीं आ रहा है। जब हमको ऐसा लगता है कि काम हमारा हो गया, उस समय उसके बाद कोई ना कोई कोई ऐसी ताकत आती है जो उस काम को रोक देती है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। हम लोग अभी परेशान होकर के हमने अभी अल्लाह ताला से जो है दुआ की है कि हमारा जो रिपेयरिंग बेड का मसला है उसको हल करने के लिए हमें हमारे ऊपर उसका साया आए, और अभी हमें दूसरी कोई ताकत नज़र नहीं आती है। इसीलिए हम लोग हर धर्म के, हमारे यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, ज़्यादातर माइनॉरिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं, और माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटी के लोग भी अभी परेशान हो गए हैं। इसीलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि हर कोई अपने अपने भगवान को अपने अपने तरीके से अपनी प्रार्थना करेगा और दुआ करेगा कि हमारा ये काम जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, कामयाब हो जाए, और जो अधिकारी वर्ग वहाँ पर बैठा हुआ है उनके दिलों में हमारे लिए रहम आ जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगाओगे हमारे चैनल के माध्यम से? जो माननीय हमारे उद्धव जी साहब है, उनसे हम ये गुजारिश करेंगे कि वो जिस तरह उन्होंने 500 स्क्वायर फीट के लोगों का जो फ्लैट में रहते हैं उनका उन्होंने जो है जो टैक्स है प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर दिया है, तो हमने क्या बिगाड़ा है सर आपका? हम तो आपको बहुत ही मानते हैं, ठाकरे सरकार पर हमारा विश्वास है, भरोसा है, हमें यकीन है कि वो हमारी बात उन तक पहुंचेगी, और हमें हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसका वो कोई निराकरण करे। अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती तो इसके बाद का तीव्र आंदोलन कैसा होगा? इसके बाद का धीरे धीरे एक एक स्टेप हमारी बढ़ते जाएगी। अभी हम लोग जो है दुआ प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, उसके बाद हम माहिम की दरगाह पर जाएंगे यहाँ से चलकर, उसके बाद हम हाजी अली दरगाह जाएंगे चलकर, उसके बाद हम सिद्धि विनायक जाएंगे चलकर। हमारी यही मांग रहेगी हर जगह पर, हर प्रतिनिधि से, हर जो है प्रार्थना स्थल से, कि हमारा जो है मसला हल करें। इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक निवेदन बनाया है, वो निवेदन मालवनी की हर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, बुद्ध विहार को हम लोग देने वाले हैं, और हर नमाज के बाद हमारे लिए हाथ पे दुआ करें, इसलिए हम लोग वो निवेदन जो है देने वाले हैं। दुआ करने में आई है रिपेयरिंग बोर्ड के लिए, किस तरह की दुआ की गई है और क्या सरकार से निवेदन करोगे? दुआ इसलिए की गई है क्योंकि हम लोग है ना जहाँ जाना चाहिए, जिधर जिधर जाना चाहिए, जैसे माड़ा है, जैसे मंत्रालय तक भी हम लोग गए हैं, यहाँ तक के जो हमारे यहाँ के जो नगर से हमारे MLA जो है, यहाँ के जो हमारे अपने मंत्री जो साहब हैं, इनके बंगले तक भी हम लोग जाके निवेदन दे के आए, लेकिन अभी तक के हम लोग को कहीं से भी ऐसा मतलब ऐसी अभी तक कुछ हुआ नहीं। सिर्फ ये हो रहा है कि भाई हो जाएगा, लेकिन होने की वजह से हमारा क्या हो रहा है कि हमको जो पहले जो था कि 200 रुपया हमारा भाड़ा चलता था, 200 से 500 हुआ, 500 से सीधा 3000 रुपया हुआ, 3000 होने के बाद में अभी अचानक आ जाता हमारे को सीधा 8 लाख का पेनल्टी कि आप 2010 से लेके अभी तक के आप ये ब्याज भरो और पेनल्टी भरो, क्योंकि 2010 से हमारे को जब 2019 को आया है तो क्या ये 9 साल 10 साल सो रही थी माड़ा? उनको क्या करना चाहिए था कि उस वक्त से ही अगर देना चाहिए था तो जब भी 2020 में भेजा है तो वहाँ से उनको बोलना चाहिए था कि आपको ये पेनल्टी लगेगी। चलो ठीक है, अभी भाड़ा भी भरने को लोग जैसा बोलते हैं कि भाई तुम लोग ने 3-3 माला बनाया, 2-2 माला बनाया, कुछ लोग भरना भी चाहते हैं तो वो भरे, जो जैसे 500 के हिसाब से भरना चाह रहे वो भरे। अभी 3000 रुपये भरने को भी कोई सोचे अगर भरना भी तो उसको 6,500 रुपये तो ब्याज है, अब ब्याज के हिसाब से सीधा 8 लाख का अभी आप बता रहे हो क्या भाई? मैं अभी जैसे हमारे बहुत नेताओं के पास हम लोग गए, क्या भाई कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। आप अगर ऑनलाइन में अगर चेक करेंगे ना तो जिसका 8 लाख रुपया भाड़ा आया है आज 8,60,000 रुपया हो गया है, जिसको 7 आया है उसको 7.5 हो गया है, मतलब या तो बढ़ते ही जा रहा है। ये हमारी मांग है कि भाई हमारा कुछ भी एक ऐसा कोई भी हिसाब किताब से जो भी जैसे हाउसिंग बोर्ड वाले को जैसा भर के जैसे थोड़ा बहुत भर के ऐसा हम लोग भी भरने को राजी है, जैसा हाउसिंग बोर्ड वाले भाड़ा भरते हो वैसा भरने को राजी है। अभी हमारे को जो नोटिस आई है उसके अंदर चौल नहीं लिखा गया है, रूम नहीं लिखा गया है, फ्लैट लिखा गया है, फ्लैट में हम लोग नहीं रहते। जैसे मेंटेनेंस बता रहा है 3000 रुपया हमारे को, जैसे अभी ये कहाँ का लोग लगा रहे हैं, ये गोराई का, जैसे अपना चेंबूर का वहाँ फ्लैट है, हमारे को यहाँ कोई सुविधा नहीं है, कोई यहाँ पे हमारे को कोई पानी और वॉचमैन लाइट कुछ नहीं मिल रहा है। ये हमारी चाली है जो कि हमारे बाहर निकलेंगे तो गटर का सही से ढक्कन भी नहीं है, ये हालत है हमारी, और पानी भी आता है इधर पे तो वही जो गटर के पानी ही आते हैं, जैसा सब तकलीफ में ही से रहे उधर कि भाई कैसा भी करके ये जो निपटारा कैसा भी खत्म कर दे। अभी हमने तो शुरुआत कर दी है अदुआ से,
अब आने वाले गुरुवार को हम लोग 5 बजे से फिर यहाँ धरना करेंगे, 5 बजे हर गुरुवार हर शुक्रवार को हम लोग धरना करेंगे 5 बजे। अब हमारी पूजा भी होगी, हमारी प्रार्थना भी होगी, हमारा भैया का भी होगा, हर चीज यहाँ चलता रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं होगी। थैंक यू। हम लोग काफी साल से इस इलाके में रह रहे हैं, लेकिन हमें परेशानी ये है कि इस वक्त हमें जो है 3,000 रुपये भाड़ा और प्लस 6,500 रुपये ब्याज, इस तरह से 9,500 रुपये आ रहा है, वो चक्रवृद्धि ब्याज और भी बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए हम लोग यहाँ पर कुआ खोद के पानी पीने वाले इंसान हैं, कहाँ से इतना लाएंगे? एक बात हमारी सिर्फ यही गुजारिश है एक बात सरकार से, सभी से एक बात है कि हमें जो तकलीफ है उसको तकलीफ को दूर करिए। एक बात है मकान जो है वो हमारे नाम का करके दीजिए। एक बात है बस यही हम लोग थक गए। एक बात है काफ़ी साल से हम लोग परेशान है। मांग लेके आज यहाँ पर उतरे आप? हमारी मांग तो ये है, आज 40 सालों से मांग यही है कि रिपेयरिंग बोर्ड का मसला है। आपको तो आपके रिपोर्टों को आपके चैनल को भी मालूम है और हमारे यहाँ के नेता को भी मालूम है। एक खाली प्लॉट जो है वहाँ पर झोड़पट्टी बसने के बाद उनके रूम पक्के हो जाते, लेकिन यहाँ पक्के रूम में रहने के बाद भी हम लोग डर डर के जिए। आज तक उसका मसला अभी तक हल नहीं हुआ। जिसके पास भी जाओ वो बोलता ठीक है। और ये चीज़ जो ऐसे रिपेयरिंग बोर्ड का जो मसला ऐसा है और रिपेयरिंग बोर्ड के जो रहने वाले जो रहवासी है, ये इनका एक मुद्दा है। जहाँ भी इनका इलेक्शन पीरियड आता है तो बोले रिपेयरिंग बोर्ड को लेकर चलो, तो ताकि उनकी मेजोरिटी बताने के लिए। लेकिन आज तक हमारा मसला अभी तक हल नहीं हुआ। आज तकरीबन 40-41 बरस हो गया। आज वही डर डर के हम लोग जी रहे कि कल क्या होगा, रात को डर के सो रहे, सुबह क्या होगा कि हमारा सामान निकाला जाएगा या बाहर फेंक दिया जाएगा। ये सरकार हमारी आज तक सुनी नहीं, ना हमारे रूमों का कुछ किया इन्होंने। और यही तकलीफ में हम लोग आज ये प्रार्थना स्थल पर हम दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हर जगह जाके करेंगे। जब इनके कान तक जू नहीं रहेगी तो ताकि ऊपर वाले के कान तक जू रहेगी कि हमारी दुआ कबूल तो होगी। आज ये है मसला हमारा। महानगर पालिका के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, उसको देखते हुए किस तरह से बहिष्कार करोगे चुनाव? यही तो बहिष्कार तो करना ही है हमें। अगर इसके आगे अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी, इसके आगे चल के हम लोग भूख हड़ताल करेंगे।